Hello, welcome back to your own channel GK Solution. Today I am bringing for you a new series that is one linear question on computer science. देखिए computer science के question किसी भी exam के point of view से बहुत important है. कोई भी exam आप देख लीजिए, bank का हो, state level के exam हो, किसी भी department में computer science के question पूछे ही जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो पंजाब स्टेट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी टफ लेवल आया था कंप्यूटर साइंस का, जो कि बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस नहीं थे, पर फिर भी हमें अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमें करने होंगे. ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक वाइज न्यू सीरीज़ न्यू वीडियोस भी लेकर आऊँगी. लेट्स प्रोसीड आवर टुडे सेशन. फर्स्ट है जी, वन निबल इक्वल टू फोर बिट्स. देखिए सबसे जो छोटी यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट. बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, वन निबल इक्वल्स टू फोर बिट्स. बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट. ठीक है जी, बाइनरी डिजिट से ये बिट वर्ड जो बना है. और बाइट आप सबने सुना होगा, बाइट का मतलब होता है बाइट कंप्राइजेस ऑफ 8 बिट्स. ठीक है, नेक्स्ट है जी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस इज रेफर्ड टू एज प्रोग्राम. कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है. अ डम्ब टर्मिनल हैज़ कीबोर्ड एंड स्क्रीन. जो आपका कीबोर्ड और जो आपकी स्क्रीन होती है वो एज अ डम्ब टर्मिनल काम करती है. डम्ब टर्मिनल मतलब जिसकी खुद की कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, जैसे कि हमारा सीपीयू होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है, लेकिन कीबोर्ड और स्क्रीन वो खुद एज इट इज़ कोई प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन नहीं करते, जस्ट कीबोर्ड आपको आउटपुट शो करता है एंड सॉरी कीबोर्ड आपकी इनपुट लेता है और स्क्रीन आपको आउटपुट शो करता है. अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स वीडियो और टर्मिनल्स यूजली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर. मैग्नेटिक टेप और वीडियो अगर आप उनका एक ग्रुप बना लेते हैं तो उन्हें क्लस्टर बोला जाता है. नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर को हम कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, मेमोरी के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें कि डिजिटल और एनालॉग दोनों ही कंप्यूटर्स का कम्बिनेशन होता है. डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ डिजिट पर काम करते हैं, डिजिट होती है 1 और 0 की फॉर्म में. एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जी, अ नॉर्मल सीडी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डेटा. नॉर्मल सीडी रोम 680 MB. अ पिक्सल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्सल के बारे में पूछा जाता है. स्मॉलेस्ट रिजॉल्वर पार्ट ऑफ पिक्चर, मतलब कि जो आपकी पिक्चर होती है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ये होता है, वो पिक्सल होता है. अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज टू अलाउ द मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन, मतलब जो रजिस्टर
कंप्यूटर की मेमोरी में एक रजिस्टर मेमोरी होती है जो कि बहुत छोटी होती है और फास्टर होती है। वो कई तरह के रजिस्टर वहाँ होते हैं। जो रजिस्टर लेफ्ट और राइट मूव करता है उसे हम शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर हैं जो वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड। मतलब वो टेक्निक जिससे किसी एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एक वर्ड आपने शायद सुना हो, मॉडम। मॉडम का मींस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में ऐसा ही होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्जन जो की जाती है वो मॉडम में की जाती है। उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है एबाकस वाज़ा। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अबाकस। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ यूजर टू चेंज एनी नंबर एंड इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑफ दैट चेंज इज नोन एज स्प्रेडशीट। देखिए, कंप्यूटर में हमारे पास एक एमएस ऑफिस एक सूट होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम जिसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस पेंट है, तो ऐसे ही एमएस एक्सेल है जिसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। स्प्रेडशीट में हम रोज़, और ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्प्रेडशीट में किस फॉर्म में डेटा अरेंज किया जाता है, टेबल की फॉर्म में मीन्स रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा अरेंज किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में क्या होता है कि हम नंबर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होते हैं, नंबर स्टोर होते हैं। तो इसका मतलब है कि कौन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें यूज़र नंबर ही मतलब एंटर करता है और रिजल्ट उसे नंबर को वो चेंज कर सकता है, उसका सम कर सकता है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एन एरन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज नोन एज बग। कंप्यूटर डेटा में अगर कोई एरर होती है तो बग बोला जाता है। एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज टर्मिनल। कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो डेटा हमसे लेता है, जिसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, उन सब डिवाइसेस को बोला जाता है टर्मिनल। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मेमोरी में चिप्स यूज होती हैं, सबको पता है कि मेमोरी चिप्स होती हैं, वो चिप्स सर्किट्स के थ्रू बनती हैं फैब्रिक। और वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, फैब्रिकेटेड ऑन टिनी सिलिकॉन चिप। चिप के ऊपर सिलिकॉन फैब्रिकेट करके उन चिप्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस वर्ड्स और मैसेजेस रिकॉर्ड ऑन मैग्नेटिक मीडियम टू प्रोड्यूस ऑडियो रिस्पॉन्स। मतलब कोई सिस्टम जिसके ऊपर अपनी वॉइस एक फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज डिजिटल डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसे बोला जाता है वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट। एंड नेक्स्ट वन स्काई और EBCDIC कोड। ये कोड होते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी आपका लेटर है, नंबर है, वो एक कोड की फॉर्म में स्टोर होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे ए है तो कंप्यूटर में जाकर वो ए ऐसे ही स्टोर हो जाएगा, वो एक कोडेड फॉर्म में जाकर स्टोर होगा। तो उसके लिए हमारे पास कोड्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि स्काई क्या है और ईबीसी, और आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। स्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिफोर नेक्स्ट हम EBCDIC की भी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फुल फॉर्म। बिफोर अ डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी, कोई भी डिस्क आपके पास है कि उस हमारे पास वैसे भी जब भी हम कोई USB मतलब आप कोई पेन ड्राइव यूज करते हो कोई डिस्क, तो उसके पहले एक ऑप्शन भी आती है कि इसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। ठीक,
तो यही बोला गया कि कोई भी डिस्क यूज करने से पहले उसे फॉर्मेट करना चाहिए। कैन यू टेल व्हाट पासिस इन टू एंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर बाय इट्स पोर्ट्स। पोर्ट्स होती हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन को या अपने कीबोर्ड को प्रिंटर को वायर के एंड में एक अपने पास छोटी सी एक पोर्ट बनी होती है, मतलब आपका ये सीपीयू है उनके पोर्ट्स लगी होती हैं, उस पोर्ट से आप अटैच करते हो किसी भी टर्मिनल को, किसी कीबोर्ड को प्रिंटर को, कोई भी डिवाइसेस होते हैं उन्हें पोर्ट्स बोला जाता है जिनके थ्रू आप उन्हें अटैच करते हो, तो डाटा उन पोर्ट्स के थ्रू ही एंटर होता है और आउट होता है। सीडी रोम स्टैंड फॉर कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ये आपने याद रखना है। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, देखिए कंप्यूटर्स कई जनरेशन्स आई, फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे मोस्ट कंपोनेंट यूज होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड दैट इज कॉल्ड ऑप कोड। देखिए आप सबने शायद सुना होगा कि कंप्यूटर में लैंग्वेजेस होते हैं जैसे सी लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है, जब हम उसमें कोई प्रोग्रामिंग करते हैं उसे सोर्स कोड बोला जाता है, तो आप उसमें इंग्लिश में लिखते हो जिसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है मशीन लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस जो कोड हम लिखते हैं बाइनरी मशीन, मतलब बाइनरी मशीन दैट इज सेम थिंग, उसके बिना जो लैंग्वेज उसे बोला जाता है ऑप कोड। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोरसम, देखिए कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करता, बोर नहीं होता, उस फीचर को बोला जाता है डिलीजेंस। कंप्यूटर मॉडल IBM 1401 इज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, देखिए जनरेशन वाज डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर आए, फर्स्ट जनरेशन में कौन से थे, सेकेंड जनरेशन में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IBM ही कंपनी थी जो सबसे पहले PC पर्सनल कंप्यूटर लेकर आई थी, ये भी आपने याद रखना है। IBM 1401 जो एडिशन है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन कंप्यूटर सेंटर आर नोन एज ह्यूमन वेयर, ये भी आप कई बार पूछ लिया जाता है, कई टर्म्स होती हैं फॉर्म वेयर ह्यूमन वेयर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ मेजर यूनिट, मेजर कौन कौन सी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, CPU जिसे बोलते हैं, एंड स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज में आपकी CD DVD पेन ड्राइव और आपकी हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ये सब आ जाता है। कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बनने से पहले जो कंप्यूटर्स आए उन्हें बोला जाता था इलेक्ट्रो मैकेनिकल। CPU स्पीड, इसे आप काट दीजिए। CPU स्पीड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर की CPU की स्पीड कहते हैं कि 100 KIPS या KIPS, मतलब कि 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है कि सबसे बड़ा उससे छोटा यूनिट, ठीक है आप इस तरफ से देखिए, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बिट में एक ही डिजिट होता है या 0 या 1, ठीक है 4 डिजिट से 1 निबल बनता है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। उसके बाद बाइट होती है जिसमें 8 बिट्स होती हैं, बाइट्स के बाद फील्ड बनती हैं, फील्ड को हम एक रो भी बोल देते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल बनती है, फिर आपका पूरा डेटाबेस बनता है, ठीक है ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बोलेंगे तो डाटाबेस, फिर फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, बाइट एंड बिट। EBCDIC ये हमने पीछे पढ़ा था, उसकी फुल फॉर्म देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है जी EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, उसकी हमें फुल फॉर्म पूछी गई है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो अप जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है, आप सब जानते हैं कि रोबोटिक्स आ गए हैं,
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एग्जांपल है। फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटीरियल आल्सो कॉल्ड डिस्केटी। फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर साइंस। आपसे पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुटेबल है, दैट इज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला, ट्रांसलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रिंटर वर यूज। प्रिंटर्स कौन सी जनरेशन में आए थे, सेकेंड जनरेशन। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिवेल्प्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम कब डिवेल्प हुए थे, थर्ड जनरेशन। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइडेड विद मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डेटा 1.44 MB। IBM 1041 कंप्यूटर्स वर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हम साइज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। सो जड़ा जो IBM 1401 कंप्यूटर था, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। इफ इन अ कंप्यूटर 16 bit आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन रैम, मतलब जो भी डेटा हम भेजते हैं उसके साथ एड्रेस अटैच होता है। 16 bit एड्रेस अगर लेकर जा रही है बस, कोई सिग्नल लेकर जा रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस मतलब कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं, 65536। इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 2^16, क्योंकि 2 मतलब कि बाइनरी डिजिट जिसमें 0 और 1 हो सकता है। नेक्स्ट है, IBM लॉन्च इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, वो किया था IBM, सॉरी यहाँ IBM है। ओके, IBM PC 1981 कौन से ईयर में, ये भी पूछा जा सकता है। इट हैड चिप्स फ्रॉम, अच्छा चिप्स कौन सी कंपनी से बनी थी, इंटेल कंपनी से। डिस्क ड्राइव फ्रॉम टैंडन, टेंडन कंपनी से। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो लेटेस्ट एडिशन, अभी हम सब विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर फ्रॉम एप्सन, एप्सन के प्रिंटर सब जानते हैं। एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से लिए गए थे। इन डैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज फुल डुप्लेक्स। 3 types के हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स होते हैं, मोड्स होते हैं। वो देख, एक तो सिंप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक तरफ से डाटा दूसरी तरफ जाता है, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही वायर होगी, एक तरफ से डाटा दूसरी तरफ जाएगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों तरफ से डेटा जाएगा, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, बट एक टाइम पर एक ही वायर एक्टिव होगी, मींस एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में तब डेटा नहीं जाएगा जब एक डायरेक्शन से जा रहा होगा, मतलब कि सेम टाइम पर डेटा इंटरचेंज नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पर होगा, फुल डुप्लेक्स में डेटा इधर से जा भी सकता है और उधर से आ भी सकता है। इन अ कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, बाइनरी बिट मतलब कि 0 या 1, वो स्टोर हो सकती है फ्लिप फ्लॉप में। अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बस इज, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि बस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन वायर्स।
नेक्स्ट एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अब बसेस, कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी में, सॉरी ये रिपीट हो गया, इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, जो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं मतलब कि मेमोरी को फ्री कराना, मेमोरी न्यू फाइल्स एलोकेट करनी है, जैसे कि आप न्यू फोल्डर बनाते हो, न्यू फाइल्स बनाते हो, उनके लिए मेमोरी एलोकेट करनी, दैट इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कैड, कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BCD इज एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी कोडर डेसीमल, इन विच मोड विंडो स्टार्ट विद ओनली कोर ड्राइवर्स एंड सिस्टम, मतलब जो कोर ड्राइवर्स और सिर्फ सर्विस स्टार्ट होती हैं वो होता है सेफ मोड, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे पास, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपकी रैम और रोम आ जाती हैं, और सेकेंडरी में आपकी मैग्नेटिक फ्लॉपी हार्ड डिस्क ये सारी डिस्क आ जाती हैं। मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, MICR, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। निमोनिक का मेमोरी ट्रिक इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, देखिए कई सारी लैंग्वेज जनरेशंस के अकॉर्डिंग आई, सब मतलब सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज में डेटा जो पंच कार्ड के थ्रू कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, असेंबली में निमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। निमोनिक कोड्स का मतलब होता है कि मान लो आपने एडिशन करनी है तो उसका एक सिंबल बना लिया जाएगा जिसे हम बोलेंगे एड, सब्ट्रैक्शन को मान लो बोलेंगे सब, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है निमोनिक, निमोनिक यूज किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज। मोस्टली ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू कैरी यूजर फाइल्स, यूजर फाइल फ्लॉपी डिस्क के थ्रू कैरी की जाती है, MSI, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, MSI का मतलब क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, जो हमारी मेमोरी में चिप्स बनती हैं, चिप्स में इंटीग्रेशन की जाती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जाती है, मीडियम स्केल की जाती है, SSI, मतलब काफ़ी सारी इंटीग्रेशन की जाती है, जो हम डिटेल में जब ये टॉपिक करेंगे मेमोरी का तो उसमें मैं डिटेल में करवाऊंगी। अब जस्ट आपको ये याद रखना है कि MSI का मतलब क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर द स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल, डंप टर्मिनल, डंप टर्मिनल मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी खुद की कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, मान लो आपने एक ही CPU से दो या तीन स्क्रीन्स लगा दी हैं, तो उन स्क्रीन को बोला जाएगा डंप टर्मिनल, क्योंकि प्रोसेसिंग तो एक ही CPU के अंदर हो रही है, जस्ट वो आपको डेटा शो कर रही है, ठीक है, तो कॉस्ट सेव करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक ही प्रिंटर से हम काफ़ी सारे पीसीस को अटैच कर देते हैं, तो उन्हें बोला जाता है डंप टर्मिनल। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपने हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं, जैसे कि हमारा MS Office है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, आप अपने PC को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड नेक्स्ट वन, सॉरी फॉर दैट, एडिटर एंड डिबगर, एडिटर एंड डिबगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आती, एडिटर एंड डिबगर जो आते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होते हैं, स्पेशल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे, आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड एड्रेस, मतलब एड्रेस बस के थ्रू आपके माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में जो डेटा इधर से उधर मतलब ट्रांसफर होता है वो एड्रेस बस के थ्रू होता है।
Plotter accuracy is measured in the term of repeatability and resolution. Plotter की जो हम plotter एक printer की तरह output device होता है जिसकी हम अगर accuracy measure करने की कोशिश करें तो उसकी वो कितनी repeatability करता है और उसकी resolution कितनी है. Programs are executed on the basis of the priority number in a multi-programming में क्या होता है कि memory में काफ़ी सारे program एक ही time पर चल रहे होते हैं तो उन्हें priority के basis पर execute किया जाता है. Next है RAT stands for Regression Analysis Time Series. Raw facts and figure about any particular topic is called data. मान लो आपने एक स्प्रेडशीट बनाई है उसमें आप एक कॉलेज का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स का रोल नंबर उसकी क्लास नेम ये सब लिखेंगे तो वो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है. पर्टिकुलर टॉपिक पर वो डेटा आपने ले रखा है तो उसे आप मतलब वो फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं तो उन्हें आप बोलेंगे डेटा. शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप ऑफ फोर बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल. देखिए जो आपकी बाइनरी डिजिट को हम बेस के अकॉर्डिंग जैसे कि बाइनरी का बेस 2 होता है क्योंकि उसमें 2 डिजिट होते हैं. अगर हम 8 का ग्रुप ले लें तो जिस उसे हम ऑक्टेट या ऑक्टल बोलते हैं. 16 2 रेस टू पर 4 ले लें मान लो 16 बन जाएगा तो उसे हम हेक्साडेसिमल बोलेंगे. ठीक है. सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल एंड अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ ऑफ सिग्नल. जी हमने पीछे भी किया है कि जो डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर. स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर. प्रिंटर भी हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं. लेजर प्रिंटर की स्पीड है जो PPM मतलब कि पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट मिनट में कितने पेज वो प्रिंट करता है उसके हिसाब से मेजर की जाती है. द एक्रोनियम ऑफ वॉर्म. वॉर्म एक वायरस की टाइप होती है जिसकी फुल फॉर्म होते हैं राइट वंस रीड मैनी. The ALU of computer responds to the commands coming from. ALU में यो मतलब respond करता है commands कहाँ से आते हैं वो control section से आते हैं. ALU होता है arithmetic logic unit जिसमें आपकी सारी calculations होती हैं. The arranging of data in a logical sequence मतलब आपने किसी मान लो ascending order में descending order में data जो arrange करना है that is called sorting. The BIOS is abbreviation most important क्वेश्चन है जी. बॉयस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बिट कम्पैक्ट. सबसे जो मेमोरी डिवाइस चीपेस्ट है दैट इज CD जिसे हम कम्पैक्ट बोलते हैं. द कंटेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मेमोरी डेटा रजिस्टर. जो कंटेंट होते हैं इंफॉर्मेशन के वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रजिस्टर होते हैं मेमोरी में. स्मॉल मेमोरी होती है जो कि काफ़ी फास्ट होती है तो उसमें एक रजिस्टर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर. द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस इन टर्म ऑफ कॉस्ट. ये रिपीट हो गए दो क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट. मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या होता है मेमोरी टेम्परेरी होती है एंड स्टोरेज इज परमानेंट. मान लो मेमोरी आप अभी स्क्रीन पर कुछ काम कर रहे हैं तो वो रैम में प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है तो जब भी आपने वो अपना PC बंद कर दिया या वो किसी कारण से बंद हो गया तो वो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा. मतलब जो परमानेंट आपने स्टोर कर रखा है वो एज इट इज रहेगा. तो सो ये डिफरेंस होता है मेमोरी एंड स्टोरेज में. द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम इज फास्टेस्ट एक्सेस टाइम सेमीकंडक्टर मेमोरीज का होता है. द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद IC चिप वाज नोन एज. फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर जिसमें IC चिप्स यूज की गई थी. पहले हमने मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी उसके बाद चिप्स यूज होने लगी हैं. IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. जो चिप्स यूज हुई थी वो हुई थी IBM सिस्टम 360 में. द फर्स्ट जर्नल पर्पस. ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वो था ENIAC मतलब जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है. कमर्शियल जो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. द फर्स्ट मैकनीटोश कंप्यूटर वॉज मैकनीटोश जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में मैक बोलते हैं. मैक जो कि एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मैक यूज होता है. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है.
फर्स्ट जो मैक कंप्यूटर यूज हुआ था वो फोर्थ जनरेशन में आया था। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल, इंटेल कंपनी मैंने आपको पहले ही बताई है, जो कि चिप्स बनाती है, मेमोरी चिप्स बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर में चिप्स लगी होती हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने बनाया था, इंटेल कॉरपोरेशन ने, दैट इज 4004। द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप यूज टू प्रोवाइड नॉन वॉलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डेटा एंड दैट हैव नो मूविंग पार्ट्स आर नोन एज मैग्नेटिक बबल मेमोरी। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैनुफैक्चर्ड। जब कोई पीसी आपका मैनुफैक्चर होता है उस टाइम पे जो प्रोग्राम उस पर लिखे जाते हैं उन्हें बोला जाता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। जो प्रोग्राम आपकी रोम में स्टोर होते हैं, परमानेंट स्टोर होते हैं, हार्डवेयर पर लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर लगे थे। द थर्ड जनरेशन उनमें आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। द टू टाइम्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर प्राइमरी मेमोरी चिप्स एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिस्टम बस डिवाइस जो होते हैं हमारे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम बसेस के थ्रू। टू डिबग द सिस्टम मीन्स फाइंड एंड, डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उसमें आप डिबगिंग करते हैं, मतलब कि फाइंड करते हैं एंड करेक्ट करते हैं एरर। वैन स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइड एरिया नेटवर्क। वट आर द कंप्यूटर कॉल्ड दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड कंप्राइज यूजली इन बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर मतलब कि जो डिजिट्स पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। वट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज फ्रॉम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड्स एट आउटपुट। क्या होता है कि कंप्यूटर जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, तो असेंबलर क्या करता है उस, मतलब जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वापस हमें उसी असेंबली लैंग्वेज में उस आउटपुट को देगा। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज अ कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है उसका काम भी कन्वर्ट करना ही होता है। कंपाइलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज करता है, कंपाइलर हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वापस हमें आउटपुट देता है हाई लेवल में। वट इज़ अ लाइट पेन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। वट इज़ एन इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर का काम भी कन्वर्जन करना ही होता है हाई लेवल से मशीन लेवल, बट इसका डिफरेंस ये होता है कि इंटरप्रिटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पूरे सोर्स कोड को एक ही टाइम में कन्वर्ट करता है। वट इज़ रिक्वायर्ड वैन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, मतलब एक सेंट्रल कंप्यूटर को एक से ज़्यादा, मतलब आपने उस पर टर्मिनल्स मीन्स की डेस्कटॉप लगा रखे हैं, मतलब आपको प्रोसेसिंग सिस्टम एक है तो उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनल। वट इज़ द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिक, एनालिटिक इंजन आया था 1837 में। यूनिकोड क्या होता है, करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। विच असेस मेथड इज यूज टू असेस कैसेट टेप, मतलब जो हमारी कैसेट्स, अब तो नहीं हम आजकल तो हम फ्लैश मेमोरी मीन्स पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, कैसेट्स जो यूज होती थी उनमें सिक्वेंशियल असेस होती थी। सिक्वेंशियल असेस मान लो उसमें आपने सॉन्ग्स भर रखे हैं, तो अगर आप पहले पहला सॉन्ग चलाएंगी अदरवाइज आप नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट ऐसे करके, नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो ऐसे सिक्वेंशियल फॉर्म में जाएगी, एक सीक्वेंस में जाएगी। जैसे कि पेन ड्राइव में हम क्या करते हैं कहीं से भी कोई भी सॉन्ग पिक करके रैंडम नहीं चला सकते, वो रैंडम असेस होती हैं। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, दैट इज इंटेल। विच डिवाइस यूज एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, मतलब ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो ये विंडोज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें आपको हर एक चीज कमांड्स दे के लिखनी पड़ती, मतलब लिख के करनी पड़ती थी। और
अब आप क्या करते हैं कि माउस के थ्रू किसी भी एक आइकन पर क्लिक किया, आपने एप्लीकेशन खोली, उस आइकन पर क्लिक करके आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसे बोला जाता है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। तो उसके लिए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस, विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव्स, दैट इज सीगेट, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, सेमी कंडक्टर्स, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन, दैट इज मशीन लैंग्वेज, डायरेक्टली जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। विच लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, दैट इज मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर यूनिकोड, दैट इज UTF-8। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, डायनेमिक रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूज ड्राई इंक पाउडर, लेजर प्रिंटर। विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, प्लॉटर्स। विच स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, इज हार्ड डिस्क। विच टेक्नोलॉजी यूज इन कंपैक्ट डिस्क, लेजर टेक्नोलॉजी। विच यूनिट होल्ड्स डेटा टेम्परेली, प्राइमरी मेमरी यूनिट। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज IBM 650। विच वॉज द वर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड